बच्चों तीन पार्ट में ऑलरेडी इसके अपलोड कर चुका हूँ और ये चौथा पार्ट है, यानी 15 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब मैं आपको 16वां क्वेश्चन बताता हूँ। 16वां क्वेश्चन ये है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2009, 2012, 2014, 2015 और 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वायो सेवर्ड के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी आपको डेरिवेशन करना है। 2010, 2012, 2014 और 2016 और 2017 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो दो सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपको एक डेरिवेशन करना है छोटा सा। 2010, 2013, 2014 और 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन की, तो यहां पर चौथा क्वेश्चन है, एक निलंबित चल कुंडली धारा मापी किस रचना का वर्णन कीजिए, इसकी धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। सुग्राहिता को परिभाषित करना है, ठीक है। तो 2011, 2013, 2016 और 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। उसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लेंज का नियम 2012, 2015 और 2016 में आया हुआ है। पांच क्वेश्चन है, इनको भी तैयार कर लेना आप लोग। आपके टोटल जो है 20 क्वेश्चन हो गए। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियोस देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी को ये परचेज करनी है सीरीज, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, और मुझे जाके कॉन्टेक्ट कर लें। सिर्फ 50 रुपये की सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके।